रुद्र आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट कपिल दीवान के साथ डिनर मीटिंग करने आया था, लेकिन वहां पर कपिल के साथ में नीरज कश्यप, मिस्टर शैडो और अंतरा भी थे। रुद्र की कंस्ट्रक्शन साइट से पुरानी मूर्तियां मिलने की वजह से उसका प्रोजेक्ट बंद हो गया था, इसलिए वो नीरज कश्यप का प्रोजेक्ट भी रुकवाने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपना रहा था। रुद्र ने नीरज पर इल्जाम लगाया था कि उसने शॉपिंग मॉल वाली जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आखिर में रुद्र ने नीरज कश्यप से पूछा था कि अगर उसने वाकई में जमीन खरीदी हुई है तो उस जमीन के पुराने मालिक का नाम बताए। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा था कि वो जमीन उसने नीरज कश्यप को बेची थी। ये जानकर रुद्र हैरान था। रुद्र को अंदाजा था कि ये मास्क वाला आदमी अमीर होना चाहिए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा आदमी होगा। 5 साल पहले रुद्र ने भी उस जमीन को खरीदने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उसे पता चला था कि किसी रहस्यमय इंसान ने वो जमीन खरीद ली थी। उसके बाद भी रुद्र ने उस रहस्यमय इंसान को ढूंढने की काफी कोशिश की ताकि रुद्र उससे वो जमीन खरीद सके, लेकिन वो उसके बारे में पता नहीं लगा पाया था। आखिर में रुद्र को मजबूरन उस जमीन से थोड़ी दूर दूसरी जमीन खरीदनी पड़ी थी, लेकिन आज वो आदमी रुद्र के सामने बैठा था। रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और उसने मिस्टर शैडो से पूछा, आखिर तुम कौन हो? मिस्टर शैडो ने सूप को चम्मच से हिलाया और बाउल को अंतरा के सामने रखकर धीरे से कहा, मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस्टर अहूजा बिना परमिशन मेरे घर में घुस आए थे। क्या एक यंग एंटरप्रेन्योर को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? रुद्र ने मिस्टर शैडो को घूरते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ अंतरा से बात करने आया था। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने पूछा कि क्या रुद्र की अंतरा से बात हो पाई। रुद्र को पता था कि अंतरा ने जरूर मिस्टर शैडो को बताया होगा कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। रुद्र ने जवाब में कहा, दरअसल बात अधूरी रह गई थी, इसलिए जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती मुझे आते रहना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अपना सरहा में हिलाया और बताया कि अब रुद्र को अंतरा से जो भी बात करनी है वो सीधा मिस्टर शैडो को बता दे। ये सुनकर रुद्र ने पूछा, अच्छा तो अब अंतरा और मेरे बीच का मामला भी तुम तय करोगे? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने रुद्र को बताया कि वो बिल्कुल अंतरा के लिए डिसीजंस ले सकता है, अगर रुद्र को यकीन नहीं आता तो खुद ही अंतरा से पूछ ले। इससे पहले कि रुद्र कुछ बोल पाता अंतरा ने उसे तुरंत कहा, मिस्टर अहूजा मैंने आपको बताया था ना कि आपकी और मेरी बहन की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। आप शादी का इनविटेशन देने आए थे और मैंने आपको बता दिया था कि मैं वक्त पर शादी में पहुंच जाऊंगी। मैंने आपको पहले ही सारे जवाब दे दिए हैं, तो अब आप और क्या बात करना चाहते हैं? ये सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस मौके पर वो अपना आपा नहीं खो सकता था, इसलिए उसने भी पलटवार किया, ठीक है लेकिन दुल्हन का मेकअप तुम्हें ही करना पड़ेगा, इतना तो मैं तुम्हें हक से कह सकता हूं ना साली साहिबा। अंतरा रुद्र की चाल समझ रही थी, लेकिन अंतरा के पास इसका भी जवाब तैयार था। उसने रुद्र से माफी मांगी कि वो अब सेलिब्रिटी सिंगर आकर्ष छाबड़ा की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट अमल में है तब तक अंतरा किसी और को मेकअप नहीं कर सकती। अंतरा ने बताया कि वो खुशी खुशी अपनी बहन का मेकअप करती, लेकिन अफसोस की बात है कि वो मजबूर है, इसलिए रुद्र को किसी और मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना पड़ेगा। ये सुनकर रुद्र चिढ़ गया, क्या बकवास है, आज सुबह ही तो तुम आकर्ष की मैनेजर गरिमा से मिली थी, इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और साइन भी हो गया, किसी और को बेवकूफ बनाना अंतरा। अंतरा ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बताया कि तन्वी काफी टाइम से गरिमा की टीम में काम कर रही है, इसलिए अंतरा पहले से गरिमा को जानती है, और नीरज कश्यप को हमेशा तन्वी की चिंता लगी रहती है, इसलिए अगर अंतरा तन्वी के साथ काम करेगी तो नीरज कश्यप को उसकी कोई फिक्र नहीं रहेगी। ये सुनकर नीरज ने भी अंतरा की हां में हां मिलाई। अंतरा ने बताया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कब बना है ये रुद्र को बताने की उसे जरूरत नहीं लगती। अंतरा की ये बात सुनकर रुद्र ने दूसरा सवाल उठाया कि फिर तो अब अंतरा ऋषभ मलिक के कार एग्जीबिशन में भी काम नहीं कर पाएगी।
ये सुनकर अंतरा ने रुद्र की ओर देखा और उसका मजाक उड़ाया। आप बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हैं मिस्टर आहूजा? क्या आपको पता नहीं है कि विक्रांत ग्रोवर और ऋषभ मलिक दोनों भाई हैं? जरूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे की कंपनी के एम्प्लॉयज को काम करने के लिए बुला सकते हैं। रुद्र गुस्से से तिलमिला उठा। अंतरा! अंतरा ने मुस्कुराया और मिस्टर शैडो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, अब आपको जो भी कहना है वो मेरे बॉयफ्रेंड से कह सकते हैं। मेरे लिए कोई भी डिसीजन लेने की उन्हें पूरी आजादी है। अंतरा की ये बात सुनकर रुद्र गुस्से से कांपने लगा था। ये डिनर मीटिंग शुरू हुई तब से तय था कि इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है। रुद्र काफी कुछ करना चाहता था लेकिन ये वक्त और मौका सही नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वो चुपचाप मुड़ा और दरवाजा खोलकर बड़ी तेजी से बाहर निकल गया। नीरज कश्यप अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने रुद्र को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रुद्र नहीं रुका। हालांकि नीरज बस दिखावे के लिए ये सब कर रहा था। रुद्र के जाते ही वो फिर से अपनी सीट पर वापस बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपना ड्रिंक पीने लगा। अरे मिस्टर कश्यप, ये सब, कपिल कुछ कहते हुए रुक गया। उसने अंतरा और मिस्टर शैडो की ओर देखा। वो कुछ कहना चाहता था पर हिचकिचा रहा था। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर कश्यप? नीरज ने मुस्कान के साथ कपिल का अधूरा गिलास शराब से भर दिया। अरे कुछ नहीं कपिल जी, बस जवान खून है, इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। हम भी जवान थे तब वैसे ही तो थे, ऐसी कोई सीरियस मैटर नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। हालांकि कपिल भले ही थोड़े पुराने जमाने का था लेकिन बेवकूफ नहीं था। सारी बातें सुनकर कपिल को ये तो समझ आ गया था कि रुद्र जो गुस्से में चला गया था इसका अंतरा से कोई ना कोई वास्ता तो जरूर था। कपिल ने दो और दो जोड़ लिए कि शायद अंतरा रुद्र के साथ रिश्ता तोड़कर एक नया रिश्ता जोड़ने जा रही थी, इसीलिए ये सब हुआ था। लेकिन कपिल इन सब में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसने खुद को इन सब ख्यालों से बाहर निकाला और अपना ग्लास उठाकर नीरज के साथ चीयर्स किया और फिर टॉपिक को बदलते हुए कहा, आपने ठीक कहा नीरज जी, आजकल के नौजवान वेस्टर्न कल्चर अपनाने में तुले हैं और मेरे हिसाब से तो आजकल ये लिव इन का चक्कर सबसे बेकार है। पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे बेस्ट है, क्या कहते हो कश्यप जी? आप और भाभी जी भी तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे ना? नीरज इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। उसके सामने बैठे दो लोगों में से एक उसका फाइनेंसर था और दूसरी उसकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड, इसलिए नीरज ने चालाकी से कहा, अरे कपिल जी, अब कहां पहले जैसा रहा। आजकल की यंग जनरेशन को हम बूढ़ों की सलाह की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कपिल भी नीरज की बात से सहमत हुआ कि आज की यंग जनरेशन के पास ना ही इतना टाइम है ना ही इतना धैर्य कि वो लोग शादी को निभाने की कोशिश करें। आखिर में नीरज ने कपिल से कहा कि अब उन्हें डिनर करना चाहिए। अंतरा दोनों बड़ों की बातचीत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसने मिस्टर शैडो की ओर देखा जो अंतरा की प्लेट में खाना परोस रहा था। अंतरा उसे देख रही थी। ये महसूस होते ही मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या हुआ, मेरे चेहरे को कुछ हुआ है? अंतरा ने अपना सर नामे हिलाया और कहा कि वो जानती है कि उसे इसलिए इस डिनर मीटिंग पर लाया गया था क्योंकि मिस्टर शैडो को पहले से पता था कि रुद्र यहां आने वाला था। मिस्टर शैडो ने इस बात को नकारा नहीं, उसने अंतरा की प्लेट से राइस की चम्मच भरी और कहा, मुंह खोलो। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि आज मिस्टर शैडो को क्या हुआ है। पास में कपिल और नीरज दोनों बुजुर्ग के होते हुए भी मिस्टर शैडो अंतरा से इतना इंटीमेट हो रहा था। अंतरा ने अपना मुंह फेर लिया, मुझे नहीं खाना है। लेकिन मिस्टर शैडो ने अंतरा के मुंह के पास से चम्मच नहीं हटाया और मुस्कुराते हुए अंतरा की ओर देखता रहा। अंतरा के पास खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ कपिल और नीरज की अभी भी उसी टॉपिक पर बात चल रही थी। नीरज ने कहा, देखिए कपिल जी, 5 दशक जीने के बाद मुझे तो एक ही बात समझ आई है कि जिस चीज में आपको मन की शांति मिले वो करना चाहिए, फिर चाहे बीवी के साथ रहो या अलग।
और ये फैसले दुनिया को ध्यान में रखकर थोड़े लिए जाते हैं। मुझे ये बताइए कि पति पत्नी अलग हो गए तो इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? ये सुनने के बाद कपिल इस मुद्दे पर नीरज के साथ ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चर्चा को अपने प्रोफेशन की तरफ मोड़ दिया। उसने नीरज से कहा, दुनिया को लोगों से फर्क पड़े या नहीं, लेकिन प्राचीन चीजों से जरूर फर्क पड़ता है। सदियां बीत गईं, लेकिन अब भी वो चीजें जमीन के अंदर से मिल रही हैं, और इतने सालों के बाद भी वो चीजें वैसी की वैसी हैं। आप सोचिए, उस वक्त कितना प्योर मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा। नीरज ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ सोचा, और फिर उसने पूछा कि मिस्टर शैडो को इन प्राचीन चीजों में इंटरेस्ट है या नहीं। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि वो बहुत बोरिंग इंसान है, उसने ऐसी काफी चीजें इकट्ठा कर रखी हैं, लेकिन वो कभी उसे निकाल कर देखता नहीं। अभी भी उसकी तिजोरी में कुछ चीजें हैं, अगर नीरज को देखना है तो देख सकता है। मिस्टर शैडो की बात से नीरज उसका इशारा समझ गया और उसने कहा, भाई मैं तो ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि मिस्टर शैडो के पास किस तरह का खजाना है, और इत्तेफाक से कपिल जी भी आज यहाँ हैं, और वो तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं। मुझे लगता है कि उस खजाने की हर एक चीज के बारे में कपिल जी बता पाएंगे। नीरज बोले जा रहा था, लेकिन मिस्टर शैडो का ध्यान अंतरा को खाना खिलाने में था। उसने नीरज और कपिल से कहा कि अगर वो ध्यान नहीं देगा तो अंतरा ठीक से खाना नहीं खाएगी। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा के गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगी। मिस्टर शैडो ने तुरंत पानी का ग्लास उठाकर अंतरा को दिया और कहा, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? ये कहते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा की पीठ थपथपाई। अंतरा ने जल्दी से पानी पिया। उसे लगा कि मिस्टर शैडो शायद आज खुश नहीं है, क्योंकि अंतरा को पता था कि मिस्टर शैडो दुखी होने पर कभी अपना आपा नहीं खोता था, उसके बदले वो अजीबोगरीब बातें करता था। अंतरा को लग रहा था कि आज रुद्र जबरदस्ती उनके कमरे में घुसाया था, इसलिए मिस्टर शैडो नाराज था। हालांकि मिस्टर शैडो ने इस बारे में कुछ कहा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में था। अंतरा ने आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता कि रुद्र हमारे कमरे में कैसे घुसाया, शायद ये एक एक्सीडेंट था। ये सुनते ही मिस्टर शैडो ने तुरंत जवाब दिया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि होटल के मैनेजमेंट की गलती थी। मैंने होटल वालों से कह दिया है कि जिस एम्प्लॉय ने पैसा लेकर रुद्र को हमारे कमरे का कार्ड दिया था, उसे तुरंत जॉब से निकाल दें। और मैंने ये भी बता दिया है कि होटल के हर एक रूम के एक्स्ट्रा कार्ड्स अब हमारे रूम में ही रहेंगे। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गईं। सभी रूम के कार्ड? आपने कह दिया कि सारे रूम के कार्ड्स भेज दो और होटल वाले मान भी गए? बिल्कुल नहीं, मिस्टर शैडो ने अंतरा को दाल खिलाते हुए कहा, मैंने ये होटल खरीद ली है। क्या आप? मिस्टर शैडो की बात सुनकर फिर से अंतरा के गले में खाना फंस गया और वो खांसने लगी। अंतरा दूसरी बार खांसने लगी थी, ये देखकर नीरज ने पूछा कि क्या अंतरा ठीक है। मिस्टर शैडो ने फिर से अंतरा की पीठ थपथपाई। उसने नीरज को बताया कि अंतरा को दाल मखनी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में ऐसा हो गया। अंतरा ने खांसते हुए सोचा कि मिस्टर शैडो ने बहुत बकवास बहाना बनाया था। मिस्टर शैडो आखिर क्या काम करता था कि एक 5-स्टार होटल खरीदना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था? क्या था मिस्टर शैडो का रहस्य? एक बार फिर से रुद्र का अपमान हुआ था, अब उसका अगला कदम क्या होगा? गायत्री को सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है, ये बात रुद्र ने खुद गायत्री के मुंह से सुन ली थी। क्या रुद्र अब गायत्री से शादी करेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ